हेलो राजू, हम है रूबा और रूबी रोबोट। चीकी घर पे है। हेलो, हाँ है चीकी, पर आप कौन हो? चीकी, हमने तुम्हें कितना मिस किया। हम तुम्हारे अंकल आंटी हैं बेटा। अंकल आंटी? हाँ चीकी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। तुम्हें याद है तुम जब छोटी थी तब हम कितना खेलते थे? ये देखो। वाओ चीकी, तुम कितनी छोटी थी। तो आप वही पुर्जों वाली कंपनी में थे जहाँ से चीके के पुर्जे आए हैं? जी बिल्कुल, प्रोफेसर स्वामी, उसके बाद आपने इसे बनाया। संध्या जी, आपने हमारी चीकी का कितना अच्छा ख्याल रखा है, शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें चीकी का करना चाहिए। हम चीकी का नहीं, चीकी हमारा ख्याल रखती है। प्रोफेसर स्वामी, क्या हम चीकी को एक दिन यहीं आर्यनगर में बाहर ले जा सकते हैं? बिल्कुल रूबा जी, चीकी तुम जाना चाहोगी? मैं जरूर जाऊंगी। ये हमारा फैमिली टाइम। शाबाश, चीकी घर से निकल चुकी है। इसका पीछा करके मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। चिकी, चिकी, उस दिन मैंने जो नया फॉर्मूला बनाया था उसके फाइल्स नहीं मिल रहे हैं। क्या तुम वो मुझे वापस लिखने में मदद करोगी? डैड, चिकी वहाँ है अपनी फैमिली के साथ। तुम क्या देख रहे हो राजू? मूवी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जो दिख रहा है ना वैसा है नहीं, हमें पता लगाना होगा। क्या तुम इसे चोरी कह रही हो? हाँ रूबा अंकल, ये गलत है। इसे कहते हैं चोरी। और इसमें तुमने भी हमारा साथ दिया है। अरे मेरा सोने का हार कहाँ गया? तुमने सबसे झूठ कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यहाँ चोरी हुई है, कोई पुलिस को बुलाओ। वो देखो उस रोबोट के पास हार है, वही चोर है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। चीकी तुमने चोरी की? नहीं कमिश्नर खन्ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। वो दो रोबोट्स सब लेके भाग गए, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। पर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है चीकी, तुम्हें अरेस्ट करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। चीकी रोबोट निकली चोर, जिसे हम दोस्त मान रहे थे उसी ने की चोरी। माइटी, मैं चोर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ चीकी खन्ना अंकल, चीकी निर्दोष है। मेरे पास तो सबूत है। विंसी, रिलीज पावर स्क्रीन। रूबा और रूबी, चीकी के अंकल आंटी है ही नहीं। जब मैंने ये फोटो देखा
तब मेरा ध्यान रूबा के इस अजीब अक्षरों पर गया। ये लिपि नीनिया देश की है। रूबा और रूबी नीनिया देश में बनाए गए हैं। बल्कि प्रोफेसर स्वामी चीकी के पुर्जों को एक भारतीय कंपनी से लाए थे। उन्होंने चीकी को यहीं आर्यनगर में बनाया था। माइटी सच कह रहा है, चीकी पूरी तरह से भारतीय बनावट की है। हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता खन्ना अंकल, हमें अब भी असली मुजरिम को पकड़ना है। रूबा और रूबी तो भाग निकले। रूबा रूबी, तुम यहाँ क्यों आए और ये तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया? मैं पहुँच चुका हूँ टेन ट्रॉफी, अब तुम्हारा खेल खत्म। विंसी, रिलीज टर्बो मैग्नेट। विंसी, इन दुष्ट रोबोट्स को आर्यनगर नदी में डालकर आओ। ताकि ये टेन ट्रॉफी ही क्या, कोई भी आदमी इन रोबोट्स तक पहुंच नहीं पाएगा। बाय बाय झूठे अंकल आंटी। तुम सभी मेरी सच्ची वाली फैमिली हो। आई लव यू ऑल। वी लव यू टू चिकी। हाथ के आलू के पराठों की बात ही कुछ और है। राजू, जूली, तुम दोनों भी टेस्ट करो। ये क्या गिरा? अरे कोई बात नहीं, कहते हैं ये गुड लक लाता है। अच्छा हुआ ये मेरे टिफिन में नहीं गिर। सारे पराठे खा गए। इतनी जल्दी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन गोपी, मैंने तो पराठे चखे तक नहीं। मैंने भी नहीं। कहीं तुमने पराठे गिराए तो नहीं? नहीं, मुझे अच्छे से याद है, पराठे टिफिन में ही थे। टिफिन में पराठे? कहीं उसने मेरे पराठे तो नहीं ले लिए? चार्ली, क्या तुमने गोपी के टिफिन से पराठे लिए? क्या बकवास कर रहे हो, ये पराठे मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से बनाए हैं। प्यार से बनाए हैं? पर ये तो मेथी के बने हैं ना। पर अगर चाली ने पराठे नहीं लिए तो आखिर पराठे गए कहाँ? टिफिन चोर। हेलो कमिश्नर खन्ना, तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना। जोकर नमस्ते, मैं हूँ पिनाको विदूषक। कुछ बलून वाले करतब दिखाऊं? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ विदूषक के बच्चे। रोको, कोई इस जोकर को रोको, ये चोरी करके भाग रहा है। मेरा पीछा करना बंद करो। वो देखो जोकर। इसके स्कूटर पर इतना सोना कहां से आया? और ये सूटकेस? हेलो बच्चों, हेलो
मिस्टर पुलिस, मैं तुम्हारे आइसक्रीम को बखूबी जगल कर सकता हूँ। पिनाको आपको दिखाएगा दुनिया की सबसे अच्छी जगलिंग। मेरी आइसक्रीम। मिस्टर पिनाको, आपको हमारी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। पिनाको को जो चाहिए वो ले लेता है। ले लिया, ले लिया, ले लिया। रुको पिनाको, मेरा पीछा करना बंद करो। जगलिंग पर बड़ा घमंड है, यही इसकी कमजोरी है और इस जगलिंग के सहारे ही मैं इसे रोक सकता हूँ। हे पिनाको, तुम अपने आप को बहुत अच्छा जगलर समझते हो ना? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मेरी दी हुई चीजों को जगल करके दिखाओ तो तुम्हें माने। ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। छलांग मारना नहीं कहते, ये तो बंदर की तरह फुदक रहा है। अगर मेरी छलांग देखोगे तो चाक जाओगे। रेस लगा कर देख लो। ठीक है, तो चलो चार्ली रेस शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जूली के पास पहुंचेगा वो समझो जीत गया। तो शुरू करें, गेट सेट गो। ये राजू तो आगे निकल गया, और ऊंची छलांग लगाता हूँ। देखो राजू, इसे कहते हैं छलांग लगाना। चाली बॉस, ध्यान से। राजू जीत गया, ये। अब चाली, तुम्हारे लिए कुछ दिनों तक छलांगे नहीं, चलना ही बेहतर होगा। मेरी कमर। अरे राजू, तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो मैं कूदते कूदते थोड़ा दूर निकल गया था। अच्छा, चलो अब तुम्हें हमारे साथ कूदना है राजू। नहीं नहीं, बस आज के लिए बहुत कूदना हो गया गोपी। दो मुझे। नहीं, नहीं होगी। रोनन, दो मुझे। यहाँ पर क्या हो रहा है राजू? चलो छोड़ो उसे। नहीं। ठीक है, जब तुम्हारा वॉर खत्म हो जाए तब मुझे बताना कि वो क्या है।
जो कोई नहीं छोड़ेगा। कुरियर आया है मेरे लिए, मेरे नाम पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जरा ओपन करके तो देखो कि किसने भेजा है। मिस हेलेन की फोटोज हैं। जरा देखूं तो। डियर राजू, उम्मीद है कि तुम अपने हॉलीडेज इंजॉय कर रहे हो। अब हॉलीडेज खत्म होने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट वर्क के साथ स्कूल शुरू करेंगे। चलो उठो राजू। ओ प्लीज मॉम, थोड़ी देर और सोने दो ना। बिल्कुल भी नहीं, स्कूल का फर्स्ट डे है। असाइनमेंट किया? वेरी गुड, चलो अब उठो। स्कूल जा पाओगे राजू या माइटी राजू? एब्सेंट। बिल्कुल जा पाऊंगा माइटी राजू, नेवर एब्सेंट। बच्चों, सबसे पहले हम एक नए दोस्त का स्वागत करेंगे जो जापान से हमारे साथ कुछ दिन बिताने आया है, हमारा नया एक्सचेंज स्टूडेंट ज़ाओ। अंदर आ जाओ ज़ाओ, यहाँ सब तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। Thank you.
विजेता को इनाम मिलेगा, इसे तो मैं ही जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन चार्ली, पिछली बार भी राजू ही जीता था, उसे कोई नहीं हरा सकता। हाँ, और पिछली बार तो तुमने सिर्फ एक शार्पनर बनाया था। इसका नाम है स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये मेरे ऑर्डर पर उड़ता और रुकता है। ये वॉइस कंट्रोल्ड प्लेन है, देखना है? हाँ, दिखाओ। रुक जाओ स्पीड। के साथ तो राजू ही जीत जाएगा। मुझे इसका प्लेन तोड़ना ही होगा। देखो इसका इस्तेमाल मैं कैसे करता हूं। बच्चों, एक एक्साइटिंग न्यूज है। अगले शनिवार को हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होगा। हमारे स्कूल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा अंडा रखा जाएगा और उस बड़े अंडे पर आपको पेंटिंग करनी होगी। ड्रॉ करने के लिए एडमिन मैडम के पास शाम के 3:30 बजे से पहले जाइए। ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, अरे वाह, बहुत मजा आएगा। वो रहा रोबोटिक हैंड। चलो। बहुत मुश्किल से किसी को कोई शक हुए बिना मैंने ये अंडा बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। अभी अंदर जाके तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी है, गड़बड़ मत करना, ठीक है? हाँ हाँ बॉस, मैं सब कुछ ठीक ही करूँगा। काले हाथ उसके पोस्टर पर क्या कमाल करते हैं। वाह गोपी, तुमने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन इसमें काले रंग की कमी है। कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। आह
पता था कि आप चेहरे से भी इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बैड एंडी। जूली, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। पेंटिंग कंपटीशन के सभी कंटेस्टेंट्स तुरंत डायस के पास आए। तुम कहीं मत जाना जूली, मैं कंपटीशन खत्म होते ही तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ठीक है? ठीक है। बंकी अब बोलो, तुम आए कहाँ से? बंकी का बॉय, बंकी का बॉय। बच्चे, ये क्या किया तुमने? मैं आशा करता हूँ कि ये आविष्कार तुम्हारी वजह से खराब ना हो। तुझे ऐसे नहीं मारूंगी, इससे बस थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। प्लीज ही तय करना पड़ेगा। कमल से खन्ना अंकल, अगर आप यहाँ जल्दी आ जाए तो मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया राजू। चलो अच्छी बात है, रोबोटिक हाथ काम कर रहा है। बच्चों, अब वक्त है विनर का नाम बताने का। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू राजू। राजू,
थैंक्स राजू, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो ये हाँ? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू, ये तो सुपर गिफ्ट है राजू, पर हमने तो सोचा था कि हम चॉकलेट्स देंगे।